रानी लक्ष्मीबाई महिला छात्रावास में छात्राओं ने हॉस्टल को खाली कराने के विरोध में रोड पर जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस संबंध में सिटी वन के संवाददाता से बात करते हुए दिशा छात्र संगठन से अंजलि ने बताया, अभी कुछ दिन पहले विश्वविद्यालय में प्रशासन द्वारा छात्रावास को खाली करने का नोटिस जारी किया गया है और नोटिस में कहा गया है कि आप अपने सामान के साथ यहाँ से 30 तारीख तक हॉस्टल खाली कर दीजिए। इसके पीछे कारण बताया गया है कि हॉस्टल मरम्मत कराना है, रिनोवेट कराना है। लेकिन सोचिए जरा, नवंबर में हॉस्टल अलाट हुआ है और अभी मई में ही खाली करने का नोटिस आ गया। कितनी सारी छात्राओं का एग्ज़ाम चल रहा है, अभी तो एलएलबी के बहुत सारे छात्राओं का तो एग्ज़ाम शुरू भी नहीं हुआ है और उनसे हॉस्टल खाली कराने के का फरमान जारी कर दिया गया। और इसी की तहत फीस हम जब 12 महीने का दिए हैं तो नवंबर में अलाट करके मई में खाली कराने का क्या मतलब है? हम हॉस्टल अलाट ही क्यों कराते हैं? क्योंकि हम बहुत दूर से आते हैं और यहाँ हमें कमरा किराए पर लेकर रहना हमारे लिए कठिन होता है, इसलिए हम विश्वविद्यालय का हॉस्टल अलाट कराते हैं। और ये हॉस्टल ये कुलपति का कोई जागीर नहीं है, हम छात्र छात्राओं का ये है। इसलिए ये नया कोई भी फरमान देने से पहले छात्राओं और छात्रों का हित ध्यान में रख करके कोई फैसला देना चाहिए। जो नया फरमान जारी किया गया है उसमें हॉस्टल को री अलाटमेंट का नियम लगाया गया है, जिसमें कि सीजीपीए अगर 6 होगा उसी छात्र को या छात्रा को हॉस्टल में रहने की अनुमति दी जाएगी। कुलपति से 2 बार मिला जा चुका, परसों 60-70 की संख्या में लड़कियां जब गई थी और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, कोई हो हल्ला नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, केवल एक कन्वर्सेशन करने के लिए गई थी। लेकिन कुलपति मैम इतना भी ज़रूरी नहीं समझी कि 70 छात्राएं गेट के बाहर बैठी हुई हैं और इतना ज़रूरी नहीं समझी कि आकर के मिल सकें। तमाम तरह के कार्यक्रमों में जाने के लिए उनके पास वक्त है, लेकिन अपने विश्वविद्यालय के छात्रावास की छात्राओं की समस्याओं को सुनने का वक्त उनके पास नहीं है। वहाँ पे DSW मैम इस तरह से बिहेव की जैसे कि हम लोग कोई अपराधी हैं। तो हम लोगों का मुद्दा है कि पहले तो ये जो नया फरमान जारी किया गया है ये बेहद छात्राओं और छात्रों के विरोध में है और इसलिए पहले तो इसको रद्द किया जाए। हॉस्टल खाली कराने का जो नया फरमान जारी किया गया है, हॉस्टल खाली कराने का फैसला वापस लिया जाए और री अलाटमेंट का जो फैसला लिया गया है कि CGPA के आधार पर री अलाटमेंट होगा, वो फैसला रद्द किया जाए। और हॉस्टल अगर मरम्मत कराना है तो एक प्रक्रिया में मरम्मत कराया जाना, एक साथ तो सारे मतलब जो भी बिल्डिंग है एक साथ तो मरम्मत होंगे नहीं, तो क्रम से मरम्मत किया जाए और जिन छात्राओं का एग्ज़ाम है उनके लिए भी व्यवस्था अलग से किया जाए, उसका वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए। और अगर कोई लड़की जाती है घर पे तो उनके सामान की सुरक्षा और सामान की सिक्योरिटी पूरा प्रशासन का होगा इसमें भी, छात्र ताकि दोबारा आएँ तो उनको उनका सामान सुरक्षित मिले और उनका हॉस्टल मिले, ये नहीं कि उनको बाहर सामान फेंक दिया गया और उन्हें हॉस्टल भी अलाट न किया जाए। अंजलि, दिशा छात्र संगठन।